अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड खाजा फूड फैमिली। फूड खाजा देखने वालों का मेरा सलाम और अदाब, क्योंकि आज हम आपके लिए बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम सिखाएंगे क्रिस्पी चिप्स की रेसिपी, वो भी इतनी आसान और मिनटों में तैयार, बच्चों के लिए मज़ेदार। आपके बच्चों के लिए स्पेशल हमने रेसिपी तैयार की है, बहुत मज़े से इंजॉय करेंगे। जब ये चिप्स बनाएंगे, बाहर के चिप्स बिल्कुल ही भूल जाएंगे। आपने इसको ज़रूर देखना है और हमें ज़रूर कमेंट करके बताना है, लाजमी आपने हमें कमेंट करना है इसको बनाने के बाद, और हमारे बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अब हम अल्लाह का नाम लेके आज की रेसिपी शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पोटैटो लेने हैं, इसकी आपने ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लेनी है। देखें कटर से, अगर आपका कटर है कटर से कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको दूसरी शेप भी दे सकते हैं। ये देखें कटर से हमने ये शेप दे दिया, ये देखें ये हमारे पास कटर था, इस कटर से हमने इसकी कटिंग कर लिया पोटैटो की। आपने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम आपको बताएंगे आपने फ्राई किस तरीके से करना है, क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के तैयार होते हैं। इसको काटने से पहले वॉश करना है, फिर आपने इसको काटना है। काटने के बाद आपने इसको वॉश नहीं करना, काटने से पहले आपने इसको वॉश करना है, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है कटर से। फिर अब आपने कोई मलमल का कपड़ा ले लें, कोई टावल ले लें, उससे आपने इसको ड्राई कर लेना है। पोटैटो को आपने ड्राई कर लेना है, लेकिन इस तरह से आपने पोटैटो को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अब आपने कढ़ाई में घी को गर्म कर लेना और इनको आपने फ्राई करते जाना है, लेकिन साथ ही आपने इसको फ्राई करते जाना है। आपने इसको एक एक करके फ्राई करते जाना है। अब आपने एक बाउल में थोड़ा सा नमक डालना है और इसमें पानी डाल देना है। आपने इसको चम्मच की मदद से इसके ऊपर छिड़कते जाना है। इस तरीके से आपने छिड़कते जाना है फ्राई के ऊपर, इस तरीके से आपने चिप्स को छिड़कते जाना है। अब इसको आपने बता देना है, ये देखिए इस तरह से आपने फ्राई तैयार कर लेना। अब ये बिल्कुल तैयार है, अब आपने इसको निकाल देना। अब आपने इसको निकालते जाना, देखिए इस तरह से आपने इसको निकालते जाना। अब ये बिल्कुल तैयार है, ये देखिए इस तरह से आपने चिप्स घर में तैयार कर लेना। ये देखिए कितने क्रिस्पी तैयार हुए, ये देखिए क्रंच से आपको पता चल ही रहा होगा। ये देखिए हम आपको फिर तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इस तरह से आपने इसको घर में तैयार किया। मुझे उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करेंगे और हमें कमेंट करके जाएंगे। आपने हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही आसान कम मसालों में रेसिपियाँ लेकर, ताकि आप ईज़िली इनको घर के मसालों में तैयार कर लें। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ेदार रेसिपी से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।